हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं डिसोल्यूशन में। अब इसमें क्या दिया है अपने को, देवेंद्र और गणेश करके पार्टनर है, तो इसका मैं लेजर सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो ट्रीटमेंट कैसे करने का डिसोल्यूशन में, ये बेसिक्स का सम ऐसा आएगा। हाँ, इधर जर्नल दिया है, मैं जर्नल इसका नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, पर लेजर कैसे सॉल्व करना है वो भी इंपॉर्टेंट है ना यार बच्चे लोग। तो लेजर के लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना है, दो पार्टनर इसके लिए दो कॉलम बनाएंगे, तीन नहीं बनाना, दो ही पार्टनर, तीन रहेगा तो तीन बनाना है, और एक कैशमैन अकाउंट ओपन करना है। और मैंने इंस्टॉलमेंट वाला भी सॉल्व कर दिया है, देख लेना। ओके, तो आ जाओ। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस अच्छा खासा था, बिजनेस का सत्यानाश हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। अब बिजनेस को खत्म कर रहे हैं तो कैसे इसके लिए अकाउंट उसको खत्म करने का, राइट। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट जो भी रहेगा ना तुम्हारा, तो इसमें एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे डेबिट में, और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट में। एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करने का, डेबिट में, और लाइबिलिटीज को क्रेडिट में। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो एसेट्स में देखो डेटर्स दिया है 56,250, उसमें से आरडीडी माइनस कर दो, तो आरडीडी माइनस करके कितना अमाउंट है, 50,000 ना, तो डेटर्स को 50,000 अमाउंट लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 50,000। ओके, जो आरडीडी का नेट अमाउंट है वही डाल देने का, तो इधर आरडीडी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नेट अमाउंट डाल दिया, आंसर सेम आता है। स्टॉक कितना दिया, 112,500, तो स्टॉक की जगह पर लिखेंगे 112,500। नेक्स्ट बोला है फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया, 25,000, तो फर्नीचर की जगह पर 25,000 डाल देंगे, राइट। और कार, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, कार दिया 37,500। ओके, तो फिर कैश को यहाँ नहीं लिखेंगे, कैश के लिए अकाउंट ओपन किया ना हमने कैश बैंक, तो कैश को यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना कैश उनके पास, 2,500, कैश बहुत कम है उनके पास, ठीक है। तो अभी ये टोटल हमको बाहर डालना पड़ेगा, राइट। तो कितना है, 50 है, 112,500, 25,000 और 37,500, तो टोटल 225,000 है, कितना है, 225,000 अमाउंट मैंने बाहर ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह हमने किसकी एंट्री पास की, एसेट साइड की। फिर रेशियो दिया 3:2, ओके लिख के रख देने का, रेशियो 3:2 है। अभी क्रेडिटर्स और ओवरड्राफ्ट दिया, क्या दिया, क्रेडिटर और ये कर्जा होता है, क्या होता है ये कर्जा, तो कर्जों को क्रेडिट में लिखेंगे, तो क्रेडिटर्स कितना दिया है, 12,500, और ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का शॉर्ट टर्म लोन है 10,000, कर्जा होता है, ठीक है। तो इसका टोटल बाहर डालेंगे तो 22,500 हो जाएगा, कितना है 22,500। फिर उसके बाद बोला है रिजर्व फंड और कैपिटल अकाउंट, तो पहले कैपिटल को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, कैपिटल को कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो इधर दिया है 115,000 देवेंद्र का है, और गणेश का है 75,000, कितना है 75,000। अगर जनरल रिजर्व रहेगा तो आपस में बांटेंगे, रिजर्व फंड रहेगा तो भी बांटेंगे, तो इधर रिजर्व फंड दिया, कितना दिया रिजर्व फंड, 15,000, तो 15,000 को दोनों पार्टनर में शेयर करेंगे 3:2 में, तो 3 और 2 कितना होता है, 5, तो 15,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो कितना हज़ार आएगा, 3,000, 3 3 9, 3 2 6, वो 15,000 का डिवीजन करके इसको 9,000 मिलेगा, और ये पार्टनर को 6,000 मिलेगा। इस तरह तुमने क्या किया, पूरा टेबल की पोस्टिंग कर दी है। अब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, तो अगर एडजस्टमेंट में क्या मालूम पड़ा, एसेट्स को बेचेंगे या पार्टनर एसेट लेके आएगा तो क्रेडिट में आएगा, क्योंकि यहाँ फ़ायदा लिखता है, और कर्जा का पेमेंट होगा या एक्सपेंस होगा तो डेबिट में आएगा। एसेट वाला आइटम इधर आएगा, कर्जा वाला इधर आएगा, मतलब अगर जो पैसा आ रहा है वो यहाँ लिखना है, जो पैसा जा रहा है वो यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट लाइन क्या बोला है, एसेट वे रियलाइज, रियलाइज का मतलब बेचा है, रियलाइज मतलब तो क्या बेचा, डेटर बेचा, स्टॉक बेचा, गुडविल, तो बेच के पैसा आता है कि जाता है, आता है, तो इसके लिए फ़ायदा हो गया, यहाँ लिखेंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन है, इसमें नाम दिया किसने बेचा, तो आप क्या लिखेंगे, बाय कैश बाय, ठीक है। तो क्या क्या बेचा उसका अमाउंट हमने लिख दिया, राइट। तो एक डेटर्स को रियलाइज किया, मतलब डेटर से पैसा वसूल किया 45,000, फिर बाद में स्टॉक से, स्टॉक का कितना दिया, 1,00,000, स्टॉक को निकल के 1,00,000 आ गया, कितना आया, 1,00,000। फिर उसके बाद गुडविल, मतलब जो बिजनेस का नाम था उसको भी निकाल दिया, रेपुटेशन 12,500, ये एसेट बेच के रियलाइज हुआ। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 45,00,000 और 12,500, तो बेच के कितना है, 157,500, 157, ये कहाँ लिखा हमने, क्रेडिट में लिखा, तो इसका दूसरा इफेक्ट भी आएगा, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, इसके लिए यहाँ लिखा। अभी नाम रहेगा तो नाम वाले में आएगा, नाम नहीं रहेगा तो नीचे आएगा ना, तो कैश बैंक में इधर आ जाएगा, ये क्रेडिट है, दूसरा इफेक्ट इधर आएगा डेबिट में, कहाँ से आया ये, रियलाइजेशन, तो इधर लिखेंगे रियलाइजेशन। तो 2,500 था और बेच के कितना है, 157,500, ये 2,500 पहले से था और बेच के इतना रुपया आया, वैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, अभी ध्यान देना है, मोटर कार वॉज टेकन ओवर बाय देवेंद्र, मोटर कार कौन लेके गया, तो देवेंद्र क्या लेके जा रहा है, एसेट लेके आ रहा है कि लाइबिलिटी लेके आ रहा है, एसेट, तो फायदा हो गया ना यार, तो एसेट वाला जो भी एसेट लेके आएगा वो क्रेडिट में आएगा, तो इधर लिखेंगे बाय देवेंद्र कैपिटल, क्या लिखेंगे, बाय देवेंद्र कैपिटल, भाई क्या लेके गया,
गाड़ी लेके गया, मतलब दिमाग लगाया, कितने का लेके गया 35,000, कितना लेके लेके गया 30, तो 35,000 देवेंद्र कैपिटल में डालेंगे। इधर लिखने का रीज़न है क्योंकि फ़ायदा हो गया, एसेट लेके गया ना, ये कहाँ लिखा अभी हमने क्रेडिट में लिखा, कहाँ लिखा, तो दूसरा बैग डेबिट में आएगा, या तो ऊपर आएगा या तो नीचे, नाम है ना तो नाम वाले में आएगा। ये एंट्री कहाँ से आया, रियलाइजेशन से, ये लिखेंगे टू रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे टू, और किसके कॉलम में अमाउंट आएगा, देवेंद्र के, कितना 35,000। तो देवेंद्र लिखेगा ना गाड़ी, तो गणेश क्या वाला, मैं फर्नीचर लेके जाऊंगा, तो कितने का फर्नीचर लेके गया वो, 30,000। फर्नीचर एसेट होता है कि लायबिलिटी, एसेट, एसेट लेके गए तो क्या हो जाएगा, फायदा, तो इधर आएगा, इधर क्या नाम लिखेंगे, गणेश कैपिटल, क्या लिखेंगे, क्योंकि पार्टनर एसेट लेके गया, क्या लेके गया, फर्नीचर, कितने का लेके गया, 30, है ना, 30,000 का लेके गया। अब ये क्रेडिट है क्या, ये दूसरा पे किधर आएगा, डेबिट, तो इधर टू रियलाइजेशन लिखा है, बाजू में डाल दो डायरेक्ट 30,000, या अलग से टू रियलाइजेशन लिखो, 30,000 इधर डाल दो तो भी चलेगा, सिंपल। तो ये देवेंद्र लेके गया, ये गणेश लेके गया, ये मशीन, ये सॉरी ये गाड़ी लेके गया, फर्नीचर लेके गया, ये कैश में बेचा इसके लिए इधर आया, नाम वाला इधर आ गया। आगे क्या बोला है, क्रेडिटर्स वेर पेड, देखो कर्जा दो है, कर्जा कितना दिया, दो दिया है ना, एक क्रेडिटर है और एक ओवरड्राफ्ट, पर इधर क्या बोला, सिर्फ क्रेडिटर्स पेड किया है, तो हमें दोनों कर्जा देना है। अगर इसके बारे में नहीं बोला ओवरड्राफ्ट तो भी उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो पेड मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो अभी इधर आएगा ना यार, तो इधर लिखेंगे टू कैश में, क्या लिखेंगे, मतलब हमने कुछ पैसा दिया तो किसको दिया, क्रेडिटर्स को दिया और ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर और, तो क्रेडिटर का ये अमाउंट नहीं लिखने का 12,500, इधर अमाउंट दिया है क्रेडिटर्स को, कितना पेड गया, 11,250 दिया। फिर ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ बोला नहीं, तो भी कर्जा देना है, नहीं बोला रहेगा तो इधर कर्जा सब सेटल करना है, तो 10,000 भी उठा के यहाँ लिख दिया, मतलब ओवरड्राफ्ट भी पे कर दिया, नहीं बोला रहेगा तो भी बाय डिफॉल्ट यू हैव टू मेक दी पेमेंट टू दी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ओके। तो ये क्रेडिटर्स दिया और जो कर्जा क्रेडिट ओवरड्राफ्ट था वो भी दे दिया, तो 21,250, सिंपल। अभी डेबिट है क्या ये, तो दूसरा पे क्रेडिट में आएगा ना यार, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, नाम वाला रहेगा तो इधर आएगा, नाम नहीं तो किधर आएगा, कैश बैक, इधर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना कर्जा दिया, 21,250। अगर पार्टनर लोन रहता तो यह आता था ना, अगर कोई भी पार्टनर का लोन रहता तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिखते, पर दिया नहीं है तो छोड़ दो, दिया नहीं तो छोड़ दो, है ना। अब इसके बाद एक और एडजस्टमेंट बचा है, इधर बोला गया है कि ये पूरा झमेले का खर्चा हो गया ना बिजनेस को ख़त्म करने का, कितना खर्चा हुआ, 5,000 ले दे के सेटलमेंट करके 5,000 खर्चा हुआ, एक्सपेंस मतलब खर्चा हो गया, इसको किधर डालेंगे, डेबिट में डालेंगे, क्या लिखेंगे, टू कैश बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितना खर्चा हुआ, 5,000 डेबिट है क्या ये, दूसरा पे किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा, बाय रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे, बाय, कितना एक्सपेंस हुआ, 5,000। अभी इसको अपने को बैलेंस करके चेक करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बस एक मिनट रुक जाओ बच्चे लोग, ट्राई करता हूँ, ठीक है तुम्हारे लिए, तो कैलसिले चलो आ जाओ। अब सबसे पहले क्रेडिट और दोनों को क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे, तो आ जाओ इसको ऐड करता हूँ, ये हो गया 22,500, ये ऐड किया 157,500 ऐड करने का, आपको कैलसी अलाउ नहीं है बच्चे लोग, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा टोटली, मैं कैलसी इसके लिए यूज़ कर रहा था कि तुम्हारा टाइम बचेगा, ठीक है, नहीं तो फिर धीरे धीरे हो जाए। इसको ऐड किया, ये क्रेडिट साइड का इतना आया है ना, अभी डेबिट साइड का ऐड करता हूँ, इक्कीस हज़ार 250 और 5,000 251,250, तो डेबिट ज़्यादा हो गया ना यार, डेबिट ज़्यादा हुआ मतलब लॉस होता है, डेबिट ज़्यादा हुआ तो दोनों का माइनस करेंगे तो 6,250 का क्या हो गया, अपना लॉस हो गया, तो इधर आएगा 6,250 का क्या हो गया, लॉस, तो ज़्यादा कौन सा निकला, डेबिट वाला ज़्यादा निकला ये, चलो इधर ले ले, थोड़ा ऊपर लाइन ले लेता अच्छा से दिखेगा, ये कितना है 251,250, तो दोनों को दोनों तरफ लिखने का जो ज़्यादा है, और ये टोटल से ये माइनस किया तो 6,250 का क्या आया, लॉस आया, इधर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, क्या लिखेंगे, बाय, क्योंकि लॉस इसमें शेयर करेंगे, एक देवेंद्र था और एक गणेश है ना, लॉस हुआ, रेशियो क्या दिया इन लोगों का, 3:2, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा किस में, 3:2 में, 3 और 2 कितना हो गया, 5, तो 5 से डिवाइड किया तो कितना, 1,250 कितना है, तो एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,750 आएगा, और इसको डबल करेंगे तो 2,500 आएगा, कितना आएगा, 2,500, तो ये लॉस हमने झेला इन लोग ने, देवेंद्र और गणेश ने,
देवेंद्र और गणेश, तो इसको कहा लिखा हमने, क्रेडिट में लिखा, कहा लिखा है, तो दूसरा बैग डेबिट में आएगा, क्रेडिट से किधर रहेगा, डेबिट, इधर लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे, और ब्रैकेट में आएगा लॉस, ठीक है, तो इसको 3750 और इसको 2500। अब इसको क्या करेंगे आप लोग, बैलेंस करेंगे, और जो भी बैलेंस आएगा वो कैश अकाउंट में करके लिखेंगे, किस में करके लिखेंगे, कैश अकाउंट, ये होता है तुम्हारा फाइनल सेटलमेंट, ठीक है, तो ये टोटल से टोटल क्या करेंगे, माइनस 115 और 9, ये 124 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 124, इसमें से कितना माइनस, अरे इधर लिखने का सॉरी, 124 में से ये दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 35 माइनस किया, 3750 माइनस किया, तो इसका बैलेंस आया 85250, इसको इतना कैश देने का है, 75 और 6 81 हो जाएगा, 81 इधर लिखेंगे, दोनों क्या कर देंगे 81 से माइनस कर देंगे, तो आया 30,000 माइनस 2500, तो उसका बैलेंस आया 48,500, ओके, अब ये डेबिट है, इसको किधर ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट, डेबिट से किधर रहेगा, क्रेडिट, बाय बाय, क्या नाम है, एक देवेंद्र कैपिटल, गणेश कैपिटल, ठीक है, 85,250, 48,500, 48,500, अभी दोनों को टैली करेंगे, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है, तो ऐड कर दो, ये 48,85,250, 5,000, 21,250, इसका है 160,000, कितना है इसका, इसको भी ऐड करके वही आ रहा है 160,000, टैली है मतलब सम राइट है, आप लोग जीत गए, ठीक है, थैंक यू।